बाबा रामदेव जी महाराज रो दरबार रुणीचा में तो है ही है, लेकिन जहां जहां राजस्थान के भाई लोग गए वहां वहां जब भी उनको मौका मिला सक्षम हुए तो सबसे पहले उन्होंने बाबा को मंदिर बनवाया। बहुत दूर नेपाल तक बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर बना। पिछले दिनों मुझे पूर्वोत्तर भारत में एक जगह है अरुणाचल प्रदेश, वहां जाने का अवसर मिला। एक राज्य है उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर गंगा किनारे, एक तरफ भुवनेश्वर है एक तरफ कटक है, और कटक और भुवनेश्वर के बीच में गंगा नदी बहती है, उस किनारे पे बाबा रामदेव जी महाराज का भव्यतम मंदिर बना। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास में एक जगह है किशनगंज, सिलीगुड़ी सुना होगा आपने, उसी एरिया में एक छोटा सा गांव है, बिल्कुल मात्र आपका लक्ष्मेश्वर तो काफी बड़ा है, उससे भी छोटा गांव है, जगह का नाम है कानकी। भक्तजनों 15 करोड़ रुपए की लागत से बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर बना, जिसकी प्रतिष्ठा में मुझे जाने का अवसर मिला। प्रश्न ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है। जब जब भी भगवान द्वारिकाधीश परमपिता परमेश्वर जब जब धरती पर पधारा उसके पीछे कोई ना कोई कारण बना, कोई ना कोई हेतु बना। राम बन के आए तो रावण को मारना था, दुनिया को जीने का तरीका बताना था। कृष्ण बनकर आया तो कंस को वध करना हो, और बाबा रामदेव जी के रूप में आए तो बहुत सारा कारण था, लेकिन उन कारणों में है वो मोटो कारण जो थो। गेरी गेरी बिरखा भाजा साची साची बात बताओ जियो, साची साची बात बताओ जियो, कम्मा कम्मा हमारे कबर अजियो, रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो, रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो, कम्मा कम्मा हमारे कबर अजियो। बांझिया हो फिर भी बाबूजी साथ में था, उम्र दराज आदमी था, मन में चिंता ही कि गांव का लोग भूखा मर जाए, टावर उड़ जाए, कहो तो पड़ी। धीरे धीरे आया बोले ठाकरा ये गांव का धनी हो, पर थाने कहीं के वहां थाने पतो थोड़ी है कि खेती करने में कितनी मेहनत लागे। एक किसान हेड़ जेठ महीना में शुरू हुए जद जार, काती महीने में काती नो घरे आवे, छह छह महीना तपस्या करनी पड़े, कदे सूट करनो पड़े, कदे बीजनो करनो पड़े, कदे निदान करनो पड़े, कदे हटिया घोटना पड़े, कदे लाटो लेनो पड़े, और इतना इतना जतन करने के बाद में अनाज आवे, थारे जड़ो पांच जीव आदमी मुंडो देख खेत में जावा, बढ़िया तो हो है कि घरे आराम करा।
मारो विश्वास खत्म हो गयो, आज से ये अजमल नास्तिक है। मैंने दे जी के पति देव क्यों ज्यादा कर रहा हो, 12 साल आप अपने मर्जी हो गया, लेकिन एक बार मैं कह रही हूं 13वीं बार मारी मर्जी हो जाओ, और इन बार द्वार करो नाथ थारे मनरी मुराद जरूर पूरी पूरी पूरी। तो बोले कहीं लाडू बनाया फटाफट, बोले भगवान ने भोग लगाई जो, और 12 साल भी माफी मांग दी, और 13वीं बार कह दीजिए भगवान अब तो दुख दो। अजमाल जी सर्दी गर्मी बरसात फिर द्वारकारे रस्ते मंदिर के अंदर नहीं गया, द्वारिकाधीश द्वारकारे मंदिर सीढ़ियों पर बाहर बैठकर भगवान को विलाप करने लगा। बोले भगवान या तो बारो दर्शन दे, हाथ जोड़ रहे अर्ज करूं मैं आयो थारे बारणे, क्योंकि तो दुनिया माने मेणा बोले एक टाबर ने कारणे घर नहीं जाऊं। अजमाली सिर पटक पटक रो रहा है, समझ लीजिए कि मैं स्वयं आ गए। और एक दिन भगवान कृपा कर दी, चारों तरफ काली पीली बादली उपड़ी है, घनघोर बिजली पड़ रही है, हवाएं तेज चल रही है, सब लोग बड़ा विचलित हो रहा है। अचानक अजमाल जी मैणा जी सब सो रहा है आंगने में, धीरे 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 पालने तक आंगने में कुंकुड़ा पगलिया मंडिया। अजमाल जी उठकर देखो तो कुंकुड़ा पगलिया और एक टावर ने साथ में दूजो टावर किलकारियां कर रहे हैं, दोनों हाथों को उठाकर ताली के साथ में कम्मा 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 होगा सर्वे अच्छी मांगना। अजमल घर अरे कुकु पगला मान सवरियो पालनिए में पौड़ गयो, कुकु पगला मान सवरियो पालनिए में पौड़।
माल जी नदियों को गोरा पगलिया। अब आप ध्यान से सुनना, मैं आपसे निवेदन करता हूं। माता मन में घबराई मैया शंकर